कल रात से शिफ्ट करना शुरू किया है और आज भी हम लोगों ने पूरा व्यवस्था में ध्यान दिया है, वहाँ की शुरुआत हो गई व्यवस्थाओं की, कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पर रात तक या कल तक पूरी व्यवस्था सुचारू हो जाएगी पूरी। जो क्वार्टाइन वाला है नहीं नहीं है, साफ सफाई का और जो अल्पाहार की व्यवस्था होना चाहिए या उनके जांच को लेकर। MRTV अस्पताल की बात कर रहे हैं, उसमें कल शाम को जो खजराना मंदिर के माध्यम से जो पूरा एक व्यवस्था बनी हुई है खाने की MIH में, उसका खाना शाम को आता है। कुछ पेशेंट कल रात में 11 बजे गए थे तो उसमें कोई असुविधा हुई थी, वहाँ के कुछ वार्ड बॉय वगैरह जो आउटसोर्स थे वो लोग आ नहीं रहे हैं, तो उसमें नगर निगम से कमिश्नर साहब व्यवस्था कर रहे हैं, आज हमारी बात हो गई है और नीचे भी अधिकारियों से बात हो गई है किस प्रकार की टीम लगानी है सफाई के लिए। पानी पीने की व्यवस्था का भी पॉइंट चला था तो वो भी समस्या इस समय नहीं है वहाँ पर, डिस्पोजेबल चद्दर हम लोगों ने दे दिए हैं वहाँ पर, तो चद्दर डेली चेंज होंगे। वहाँ का ICU बहुत अच्छा है MRTV अस्पताल का, तो उसको हम लोग कुछ कमी है भी तो हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं उसको। सर टेस्ट के लिए उनसे अनुरोध कर रहे हैं या हम लोग उन्हें घर में सर्वे करने के लिए जानकारी के लिए जा रहे हैं, तो क्या उनसे सहयोग चाहिए हम लोगों को और किस प्रकार से वो लोग सहयोग कर सकते हैं। सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इसमें, सभी ने बोला है जो चर्चा हुई है कि हम लोग सभी लोगों को ये मैसेज देंगे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चाहे 1-to-1 फ़ोन करके, और पूरा सहयोग प्रशासन मिलेगा इस महामारी को इस शहर में रोकने के लिए। इसलिए आज पूरा बैठे थे, DIG साहब का भी विस्तृत संवाद हुआ है उनसे। अरबिंदो अस्पताल में मिल गया है हम लोगों को, तो जो अन्य अस्पतालों में जो भी पेशेंट्स हैं इंक्लूडिंग जो हम लोगों ने शिफ्ट किए हैं कल बॉम्बे हॉस्पिटल से, इनको अरबिंदो हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ पर। पेशेंट है सर शब्बीर हुसैन, उसका ये कहना है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, अब मुझे इनके बीच में रख दिया तो मुझे फिर से हो जाएगा। जब तक देखिए डॉक्टर उसके कहने से नहीं बोल सकते हैं, वो आपका बात सही, मैं चेक कर लूँगा शब्बीर हुसैन जी का कौन सा मामला है, पर जब तक दो बार नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती है तब तक ये नहीं बोला जा सकता। सर उनका ये कहना था कि मेरी नेगेटिव नहीं आई अभी, कम से कम मुझे इनसे थोड़ा सा अलग रख दिया जाए। इनको कहाँ से शिफ्ट किया गया? इनको बॉम्बे हॉस्पिटल से। ठीक है, इनको हम शिफ्ट करा देंगे वहाँ पर। आज सभी सम्मानित धर्मगुरुओं को बुलाया था, सभी धर्म के, और उनसे बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। हम लोगों ने उनको पूरी व्यवस्था बतलाई कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं इस जो समस्या शहर में चल रही है या पूरे विश्व में चल रही है उसको सुलझाने के लिए, उसको निपटने के लिए क्या हम लोगों ने एक सार्थक प्रयास किए हैं और किस प्रकार से अस्पतालों का मैनेजमेंट है, किस प्रकार से लॉकडाउन में कैसे कैसे ग्रेजुअल हम लोग जो सुविधाएं दे रहे हैं प्रशासन की ओर से खाने की, उसको कैसे कर रहे हैं, हम लोगों को धर्मगुरुओं से क्या अपेक्षा है, कैसे हम लोग जो लॉकडाउन वाले क्षेत्र हैं, कंटेनमेंट वाले क्षेत्र जैसे रानीपुरा, हाथीपाला, दौलतगंज, चंदन नगर, खजराना, इनको कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं, इसमें हमको क्या सहयोग चाहिए, किस प्रकार का सहयोग चाहिए जनता से घरों में रहे, क्या गंभीरता है घरों में रहने की बात जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, फिर इसमें धर्मगुरुओं से क्या आह्वान किया जाना है ताकि सभी लोग इसमें अगर हम लोग क्वारंटीन करने